बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट वारिस तस्लीम रज़ा, आज एक नए वीडियो के साथ, आज एक नई हदीस के साथ और आज के कैलेंडर के साथ। इससे पहले कि हम कैलेंडर का आगाज़ करें, अगर आप लोगों ने आज दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो आप एक दफ़ा मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आज हम सलामी मंथ की बात करें तो आज 28 मुहर्रम अलराम, अगर हम अंग्रेज़ी महीने की बात करें तो आज 17 सितंबर, अगर हम देसी महीने की बात करें तो आज 2 अस्सू है। आज की हदीस जो है इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले कि आज बरोज़ जुमेरात है, अगर दिन की बात करें तो आज बरोज़ जुमेरात है। और इसके बाद हम आज की जो बहुत ही एक प्यारी हदीस है जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा, बीमारी और दीवा, इसके बारे में मेरे प्यारे आका का क्या फरमान है, इस हवाले से हम जो है वो आज की हदीस में हम डिस्कस करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी नहीं उतारी, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं उतारी जिसकी दुआ ना उतारी हो। हर मर्ज़ की दुआई है, तो हमें भी इसलिए जो है वो अल्लाह तबारक ताला के बताए हुए असूलों और बताए हुए जो काम है उस पर अमल करना चाहिए। बीमार कोई हो जाए तो उसे ज़रूर उसके लिए कोई ना कोई जो है दवाई का अरेंज करना चाहिए। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखें। आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर दरूद नहीं पढ़ा तो आप फिर पढ़ लें। अल्लाह हाफिज़।